गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा क्लास। जावा में इस समय हम पढ़ रहे हैं अपलेट। आपको रन करके मैंने दिखाया अपलेट प्रोग्राम। आप अपलेट व्यूअर का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करके भी अपलेट प्रोग्राम रन कर सकते हैं। हमने अपलेट में ग्राफिक्स भी सीखा, एनिमेशन भी सीखा, साथ में कल मैंने इवेंट हैंडलिंग भी बताया था, जिसके अंतर्गत कई कंट्रोल बनाना सीखा, टेस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, इवेंट को हैंडल करना भी सीखा। आज उन्हीं से रिलेटेड, कुछ इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड मैं आपको बताना जा रहा हूं। पहले ये अपलेट में हमने सीखा था स्टूडेंट, इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम भी मैंने आपको बताया था, और ये आज मैं इनपुट अब टेस्ट बॉक्स बटन को लेकर के इनपुट करना आपको बताऊंगा स्टूडेंट, और कैसे हम इनपुट यूज करते हैं वो मैं आज आपको एक सबसे पहला डेमो देने जा रहा हूँ। देखिए, आईओ पैकेज का यूज किया, AWT पैकेज का यूज किया, अपलेट का यूज किया, और यहाँ पे जो हमने अपलेट क्लास से एक्सटेंड कराया इनपुट पे, इनपुट नाम की क्लास बनाई। यहाँ पे देखिए, हमने एक टेस्ट लिया, समझ गए होंगे, टेस्ट बॉक्स टेस्ट फील्ड के नाम से लेवल लिया 2 L1 L2, और यहाँ पे एक आज मैंने बटन लिया, यानी कि आपने टेस्ट बॉक्स बनाना तो सीख लिया था स्टूडेंट, लेवल बनाना भी सीख लिया था, चेक बॉक्स बनाना भी बता दिया था। आज मैं बताना जा रहा हूँ बटन, और कैसे एक्शन लेगा, एक्शन भी यूज करेंगे आज हम, यानी कि इवेंट भी यूज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इनिट फंक्शन के अंतर्गत इनको इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले, जो लिसनर के अकॉर्डिंग बताया था मैंने, और यहाँ पे देखा आपने टेस्ट फील्ड उसको निर्धारित किया T1, लेबल में EMP नेम L1, और लेबल 2 में रिजल्ट, और यहाँ पे बटन बनाया हमने सबमिट नाम से, हमने बटन बटन का नाम दिया सबमिट इक्वल न्यू और बटन, और उसके अंदर जो लिख के आएगा वो क्या आएगा, सबमिट। ओके, फिर लेबल को ऐड कराया, टेक्स्ट को ऐड कराया, लेबल 2 को ऐड कराया, और बटन को ऐड करा दिया। ओके, ये इनिट फंक्शन के अंदर की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हुई। अगला जो हमने मैसेज बनाया, पब्लिक बूलियन एक्शन, एक्शन नाम का मैसेज बनाया, और इसमें इवेंट को यूज किया, इवेंट EVNT, कल हमने पढ़ा था इवेंट, और ऑब्जेक्ट ARG लिया। यहाँ पे मैं गया रिजल्ट नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इफ इवेंट को मैंने चेक किया, यदि टारगेट इवेंट डॉट टारगेट इक्वल सबमिट मिलता है, मतलब सबमिट बटन पे क्लिक होता है, तो देन क्या करना है, T1 यानी कि text1 get text मेथड होता है, उससे टेक्स्ट को गेट करेगा और किस में स्टोर करेगा, रिजल्ट में। यदि ऐसा नहीं है तो रिजल्ट डॉट लेंथ यदि 0 से बड़ी है तो क्या होगा, L2 में सेट हो जाए टेक्स्ट, L2 में क्या टेक्स्ट सेट हो जाए, हेलो, और प्लस रिजल्ट जो उसमें डेटा स्टोर है वो हमारा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। T1.setText डबल कोटेशन यानी कि नल, यहाँ पे ब्लैंक स्टोर हो जाएगा, जब हम ऐसा यूज करेंगे तो क्या स्टोर हो जाएगा, ब्लैंक, और रिटर्न ट्रू आ जाए, क्योंकि ये क्या बना है, रिटर्न टाइप का है। ये देखिए एक्शन फंक्शन रिटर्न टाइप का है, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन टाइप। यदि ऐसा नहीं होता है तो एल्स में जाएगा, फिर क्या होगा, L2 में सेट टेक्स्ट आ जाए, इंटर सम टेक्स्ट रिटर्न ट्रू, और यदि ऐसा नहीं है तो ये आपका मेथड यहाँ पे क्लोज हुआ, लास्ट में आपका क्या रिटर्न हो जाए, फॉल्स। ओके, तो ये मैंने आपको समझाया स्टूडेंट एक नॉर्मल प्रोग्राम। आइए मैं इसको अब रन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट डॉट जावा अपलेट व्यूअर इनपुट डॉट HTML, ये देखिए, ये आपको आउटपुट अपलेट विंडो मिली। यहाँ पे देखिए EMP नेम आया, रिजल्ट आया, अभी हम सबमिट में इसमें क्लिक करेंगे कुछ नहीं हमको मिलेगा,
यदि इसमें कुछ हम लिख देते हैं, मान लीजिए राम, फिर सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये देखिए यहाँ ईएमपी नेम और इंटर सम टेक्स्ट आपको मिल रहा है। अभी सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, इंटर सम टेक्स्ट। जब मैं यहाँ लिख दूंगा राम और सबमिट पे क्लिक करूंगा हेलो राम, उमेश, हेलो हमने क्लिक कर रखा, सबमिट बटन क्लिक किया, हेलो उमेश, और जब कुछ नहीं लिखा होगा तो इंटर सम टेक्स्ट। अब आप समझ लीजिए एक बार फिर, देखिए एल्स में लिखा इंटर सम टेक्स्ट आएगा रिटर्न, और यदि हम यहाँ लिखते हैं इसमें गेट टेस्ट, यदि उसकी लेंथ उससे ज्यादा है तो हेलो, और रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है, रिजल्ट में वैल्यू कौन सी आ रही है, ऑब्जेक्ट ए आर जी की जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वहां जो लिख रहे हैं वो राम, और सीधा प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं अपने स्टूडेंट और इसको यूज कर सकते हैं। इंटरनेट वेब ब्राउजर में भी इसको यूज किया जा सकता है, वो मैंने कल कई बार इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया, तो आप लोग उसी तरीके से प्रोग्राम भी वेब ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। तो आज ये बटन के साथ मैंने डेमो दिया आपको स्टूडेंट। अगला, अब न्यूमेरिक वैल्यू को यूज करना। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू कैसे यूज करेंगे, अपलेट में एक न्यूमेरिक वैल्यू कैसे हम यूज कर सकते हैं अपलेट में, इसका एक डेमो ये हमने आपको बताया। जब हमको वेब ब्राउजर पे नहीं चलाना होता है, अपलेट विंडो पे ही पेस्टिंग करनी होती है, इसी पे कमेंट पे हम दे देते हैं दोनों फाइल, एक बार डॉट जावा एक बार एचटीएमएल से सेव कर देते हैं, और सीधे अपलेट व्यूअर के माध्यम से उसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्लास बनाया न्यूमेरिक डेमो, स्ट्रिंग लिया और पेंट नाम ग्राफिक यूज किया। यहाँ देखिए नॉर्मली इंटीजर टाइप के हमने वेरिएबल लिया, ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी और ए बी को जोड़ा, और आउटपुट यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमने स्टोर कराया आउटपुट, और साथ में इसके अंदर क्या यूज किया, क्योंकि ये किसमें है आपका वैल्यू जो आएगी यहाँ जो प्रिंट करता है ग्राफिक मेथड वो स्ट्रिंग में करता है। अभी जो वैल्यू सी की है वो किसमें है, इंटीजर में, उसको हमको स्ट्रिंग कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए हमने लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन के यूज किया। सी को हमने किससे, न्यूमेरिक से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और ड्रा स्ट्रिंग के माध्यम से सिंपल ड्रा कर दिया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेशन करा सकते हैं और सीधा उसको हम कन्वर्ट करके ड्रा स्ट्रिंग के माध्यम से आसानी के साथ उसको ड्रा कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेमो डॉट जावा अपलेट व्यूअर और न्यूमेरिक डेमो डॉट html फाइल नहीं है लगता html, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी फाइल है html की, नहीं तो एक बार इसको सेव करना पड़ेगा। न्यूमेरिक से सेव नहीं है स्टूडेंट, तो देखिए अपलेट व्यूअर में चलाने के लिए इसको मुझे सेव एज करना होगा, तो सेव एज करेंगे आप न्यूमेरिक डेमो डॉट html। ओके, अब मैं इसको फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूं और रन, ये देखिए जैसे मैंने रन किया HTML फाइल बनाकर मेरा प्रोग्राम रन हो गया, आप देख सकते हैं ये देखिए आउटपुट में 30 मिल गया। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिक डेमो लिया यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को यूज किया, ये देखिए न्यूमेरिक वैल्यू थी और उसको मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से डायरेक्ट प्रिंट किया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। टेस्ट बॉक्स में चाहते तो ये वैल्यू मैं टेस्ट बॉक्स में भी ये प्रिंट कर सकता था, और टेस्ट बॉक्स से यदि हम चाहते तो टेस्ट बॉक्स से इनपुट भी ले सकते थे। अब मैं अगला डेमो यही बताने वाला हूँ इसमें कि आप टेस्ट बॉक्स में भी वैल्यू अपलेट के टेस्ट बॉक्स में कैसे वैल्यू को इनपुट कराएंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। तो नेक्स्ट, ये देखिए अब हम टेस्ट बॉक्स में वैल्यू को इनपुट कराएंगे। यहाँ पे मैं बनाया टू नंबर एक्सटेंड किया अपलेट से, इंप्लीमेंट एक्शन लिस्नर का भी यूज किया, इसमें मैं इवेंट का भी यूज करूंगा यानी कि इवेंट भी हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए टेस्ट बॉक्स हमने लिया कितने, फर्स्ट नंबर सेकंड यानी कि फर्स्ट टेस्ट बॉक्स सेकंड और थर्ड, तीन टेस्ट बॉक्स लिए हैं,
एक तो दो वैल्यू इनपुट करने के लिए, तीसरा उसमें रिजल्ट प्रिंट करने के लिए। लेबल लिया दो L1 L2, बटन लिया एक बी नाम से, इनिट पे गए, जैसा आप देखते हैं वैसे नाइस किया, लेबल पे लिखा हमने इंटर फर्स्ट वैल्यू और ऐड करा दिया। फिर हमने टेस्ट बॉक्स जो डिफाइन किया 10 उसकी साइज, और उसमें एज वेरिएबल लिया फर्स्ट नाम, ओके ये देख ऐड करा दिया। फिर लेबल टू लिया इंटर सेकंड वैल्यू, और इसके बाद हमने सेकंड को ऐड करा दिया। फिर टेस्ट बॉक्स लिया जो सेकंड वाला, और उसमें लिखा सेकंड नाम और उसको ऐड करा दिया। इस प्रकार से यहाँ तक वैल्यू के लिए हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई। स्टूडेंट मैं अलग अलग कर देता हूँ, जैसे ये पहला टेस्ट बॉक्स हमारा, यहाँ पे पहला लेबल है, लेबल के बाद लेबल को यहाँ ऐड किया गया देखिए, फिर टेस्ट बॉक्स को ऐड किया हमने, फिर ये लेबल है हमारा, लेबल को ऐड किया, फिर सेकंड हमारा टेस्ट बॉक्स होगा और टेस्ट बॉक्स को हमने ऐड किया, फिर ये हमारा थर्ड आपका क्या है नंबर, ये ऐड किया। फिर हमने बटन बनाया, बटन का जो आपका ऑब्जेक्ट लिया था बी इक्वल टू बटन, यहाँ तो आप बटन ही लिखेंगे स्टूडेंट, जैसे इसमें टेस्ट फील्ड, जब हमको टेस्ट बॉक्स बनाना होता है टेस्ट फील्ड लिखते हैं, जब लेबल बनाना होता है तो लेबल लिखते हैं, जब हमको बटन बनाना होता है तो बटन लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्शन डिस्प्ले होगा, ऐड नाम का डिस्प्ले होगा, और इसको बी में स्टोर कराया, ऐड कराया। अब एक्शन लिसनर हमको यूज करना है, तो बी डॉट हमको किस में एक्शन लिसनर यूज करना है, बटन पे, तो हमने लिखा बी डॉट एड एक्शन लिसनर दिस। इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई, इससे हमारे टेस्ट बॉक्स बन जाएंगे, बटन बन जाएगा और लेबल लिख जाएगा। अब हमको एक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे मैथड डिफाइन किया, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म, एक्शन इवेंट यूज किया, ई ऑब्जेक्ट हमने लिया, और यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल पी क्यू आर लिया, और एक चेक कराया ई डॉट गेट सोर्स, यदि गेट सोर्स जो बी में आ रहा है इक्वल टू बराबर है, यानी कि यदि बी की वैल्यू बराबर है जो हमने यहाँ पे एड बटन पे क्लिक किया, तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करना होगा, जो फर्स्ट टेस्ट बॉक्स में वैल्यू आ रही है न्यूमेरिक आ रही है, तो फर्स्ट टेस्ट बॉक्स का नाम फर्स्ट नम डॉट गेट टेस्ट, उससे टेस्ट को गेट करेगा, और इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, ये किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट, इंटीजर में, यदि हमको फ्लोट में चाहिए होता तो फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते। ये कॉन्सेप्ट तो आप जावा में पढ़ ही चुके हैं कि कैसे फ्लोट इंटीजर लॉन्ग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वैल्यू कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, टी में। इसी प्रकार से सेकंड हमने लिया, सेकंड जो आपका टेस्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया क्यू में, और आर जो हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया पी और क्यू की वैल्यू को जोड़ दिया। फिर हमने टेस्ट बॉक्स में प्रिंट कराना है, तो थर्ड जो हमारा टेस्ट बॉक्स था स्टूडेंट रिजल्ट नम डॉट सेट टेक्स्ट, उसमें टेस्ट हमको सेट करना है, गेट नहीं कराना है, वहां से इनपुट नहीं कराना है, यानी कि दो मेथड हमने यूज किया, गेट टेस्ट टेस्ट को इनपुट करने के लिए लेने के लिए, और सेट टेस्ट टेस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। रिजल्ट नम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे हमको किस में प्रिंट कराना है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और आर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया नॉर्मली। अब देखिए कैसे इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल और रन, HTML फाइल नहीं बनी है, अलग से तो बनी होगी, देख लेते हैं किस नाम से है, टू नंबर के नाम से ही बनी हुई है, नो प्रॉब्लम। चलिए जावा सी और क्या नाम दिया हमने इसका, क्लास किस नाम से है स्टूडेंट, टू नंबर, तो आप लिखेंगे टू नंबर डॉट जावा, ओके अपलेट बी वर टू numbers dot html, या इस तरीके से कुछ html विंडो आपकी डिस्प्ले होगी स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इंटर फर्स्ट, अभी हम इनके कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं करते हैं, तो जैसे विंडो को मूव करते हैं कम ज्यादा, तो कंपोनेंट मूव होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इनके कोऑर्डिनेट भी फिक्स किए जा सकते हैं, तो जिस पोजीशन पे हम उसको फिक्स कर देंगे उसी पोजीशन पे डिस्प्ले होंगे। तो इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे हम कोई भी फर्स्ट वैल्यू इंटर करेंगे,
और यहाँ पे क्या सेकंड वैल्यू, और एड बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमको एडिशन मिल जाएगा। एक सिंपल सा मैंने बनाया। अब आप ऐसे ही मल्टीपल भी बना सकते हैं, पूरा कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट, एड बटन सब ट्रैक मल्टीप्लिकेशन, ऐसे आप बटन आपको बढ़ाते जाना है स्टूडेंट, और जो बटन पे क्लिक करें वो वर्क परफॉर्म हो। कैसे, थोड़ा सा मैं चेंजेस करके आपको यहीं पे दिखा भी सकता हूँ स्टूडेंट कैसे आप उसको यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ आपको चेंजेस करना है, अभी हमने एड बटन बनाया है, फिर आपको बटन बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पे बटन बढ़ा करके और फिर जो एक्शन आपको परफॉर्म करना है, ये एक्शन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। कैसे, एक तो यहाँ बटन बढ़ाना होगा आपको, बी लिया है मान लीजिए, बी वन करना होगा आपको। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये बटन बढ़ा लेंगे। टेस्ट बॉक्स तो हमको उतने ही चाहिए, अब हमको बटन कहीं ना कहीं और बनाना होगा, तो ये हमको परफॉर्म करना पड़ेगा लास्ट में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट बी वन, और बटन का नाम यहाँ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी देना हो सब कर दिया। ओके, ये हमारी बटन बन चुकी है। अब यहाँ एक्शन भी यदि हमको उसमें लिखना है तो ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉपी कर देता हूँ। अभी मान लीजिए मैंने इतना चेंज किया, आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। अब यदि हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, क्या चेंजेस मिलेगा। टू नंबर ड्राइव के अंदर जाना हमको, आप लेफ्ट डेमो, अब उसको लिखना था जावा सी टू नंबर डॉट जावा। कंपाइल हुआ स्टूडेंट, अब हम इसको रन करेंगे अपलेट वीवर। देखिए आपकी बटन बन गई होगी, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, नंबर ये देखिए, अभी हमने इसको ऐड नहीं किया था सर, ये देखिए हमने इतना बनाया था लेकिन इसको अच्छा ऐड नहीं किया था, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। सब ये देखिए बी वन एड, जब तक ऐड नहीं करेंगे बटन वहाँ आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। सेव किया, अब देखिए फिर से उसको रन कंपाइल किया और किया। ये देखिए जैसे ऐड किया, ये देखिए बटन बन के आ गए। ऐड का क्या मतलब होता है ये भी आपको पता चल गया, जब तक ऐड नहीं करेंगे यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी। अभी इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ये देखिए कोई एक्शन नहीं लिखा है ये, और इसमें जबकि एक्शन लिखा हुआ है, मान के चलिए इस पे क्लिक करते हैं तो ये होता है, और इस पे क्लिक करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसका एक्शन लिखना है स्टूडेंट, तो आप एक्शन भी लिख सकते हैं। एक्शन लिखने के लिए देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, हमने यहाँ तक बटन बना लिया, अब सेम प्रोसेस आपको इधर करनी होगी स्टूडेंट, ये एक्शन परफॉर्म कराना होगा, या आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं उसी पे यदि आप लिखना चाहते हैं तो इफ इल्स लगा सकते हैं। ये इफ की प्रोसेस हुई, यहाँ एल्स एफ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और सेम कंडीशन आप ये बना सकते हैं। यदि बी वन गेट होता है तो क्या करना है, समझ गए होंगे शायद आप, ऐसे एल्स के अंदर अपनी सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस लिख देना है स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस कैसे, हमको वेरिएबल तो हमारे बने ही है, ये पूरा मैं ले लेता हूँ, ये पार्ट कॉपी करूंगा और सिर्फ यहाँ मैं चेंजेस कर देता हूँ माइनस। ओके, अब मैंने इसको सेव किया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कंपाइल किया एल्स में विदाउट इफ। अच्छा इफ क्लोज है क्या, ब्रैकेट सेव।
ओके सेमी कॉलन लग गया था इसमें, और अब आप चेक करेंगे एचटीएमएल फाइल, ये देखिए ये आपकी फाइल बन गई। अब मान के चलिए यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं ये 70 और यहाँ 40। अब मैं पहले सब्ट्रैक्शन में मैंने किया, ये देखिए आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन में क्लिक करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो गया इसको सब्ट्रैक्शन हो गया। तो मैंने एक चेंजेस करके आपको लाइव में बता दिया स्टूडेंट, अब आप चेंजेस कर लेना। एक दो बटन मैंने बना दिया, आप दो बटन और बनाना स्टूडेंट जिसमें से मल्टीप्लीकेशन हो जाए डिविजन हो जाए, कुछ नहीं करना है, जो चेंजेस मैंने किया वही चेंजेस आपको करना है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ बटन बढ़ाना है, बटन को ऐड करना है, जितने एक्शन लेना है वो बढ़ाते जाना है स्टूडेंट, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, और यहाँ पे चेंजेस एफ इल्स करके उसकी कंडीशन निर्धारित करते जाना है कि यदि इसमें क्लिक होता है तो ऐसा करना है, यदि इसमें क्लिक होता है तो ऐसा करना है। तो ऐसे कंडीशन भी आपको क्या करते जाना है, मल्टीपल कंडीशन को बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस करिएगा। अभी तक जो भी मैंने बताया अपलेट पे बताया, कुछ मैं जे अपलेट के भी आपको प्रोग्राम सिखाऊंगा, और इसमें जो अगला अब हमारा चैप्टर है वो पैरामीटर से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं एक बार आपको सिलेबस भी देखिए रिव्यू करा देता हूँ। अब लगभग हम लास्ट में ही पहुंच गए सिलेबस में, लास्ट सिलेबस ही हमारा चल रहा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जावा का सिलेबस। मुंह बंद कर ले यार, लाइव आ चालू है। तो एक बार मैं सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि हम कहाँ तक सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ये देखिए जावा सिलेबस, ये हमने पढ़ी लिया था स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट है, सेकंड यूनिट भी हमारी कंप्लीट, थर्ड यूनिट भी हमने पढ़ लिया पैकेजिंग, और फोर्थ यूनिट भी हमारी हो गई थी थ्रेड और इंटरफेस मैंने पढ़ाया था इम्प्लीमेंटेशन, और ये पढ़ रहे थे फिफ्थ यूनिट में हम अपलेट, अपलेट लोकल एंड रिमोट अपलेट मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। अपलेट दो तरीके से होते हैं, लोकल और रिमोट अपलेट। लोकल का मतलब जो लोकल आप कंप्यूटर पे हम रन कर रहे हैं, रिमोट का मतलब है जब इंटरनेट सर्वर का यूज करके हम अपलेट को रन करते हैं। अपलेट वर्सेस एप्लीकेशन, क्या अंतर है दोनों के बीच में, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा एप्लीकेशन पढ़ा, अब जो हमने फिफ्थ यूनिट में पढ़ा अपलेट पढ़ा, अब आप दोनों समझ गए ही होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशन जो होते हैं विंडो बेस्ड होते हैं, विंडो में रन किए जाते हैं, अपलेट जो होते हैं हम वेब पेज में उनको रन कर सकते हैं। राइटिंग अपलेट कैसे लिखते हैं वो प्रोसेस मैंने आपको बताया ही, रन करना भी बताया, अपलेट लाइफ साइकिल भी बता दिया, क्रिएटिंग द एग्जीक्यूटेबल अपलेट, एग्जीक्यूटेबल अपलेट कैसे बनाते हैं ये भी बताया, डिजाइनिंग ए वेब पेज, वेब पेज को डिजाइन करना मैं एचटीएमएल के साथ वेब पेज को एम्बेड करके अपलेट प्रोग्राम को बताया, अपलेट टैग का यूज करना बताया, एडिंग अपलेट टू एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल में कैसे एड करते हैं वो भी बताया। एक बार और मैं आज बता दूंगा रनिंग द अपलेट, अपलेट को कैसे रन करते हैं ये भी बताया, एचटीएमएल वेब पेज के साथ भी कर सकते हैं, अपलेट व्यूअर के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद है पासिंग पैरामीटर टू अपलेट, ये हमको पढ़ना है पासिंग पैरामीटर टू अपलेट, अलाइनिंग द डिस्प्ले, ये तो एचटीएमएल से रिलेटेड है, अलाइनमेंट देना कैसे सेट करना आप पढ़ चुके हैं, एचटीएमएल टैग ये आपको पढ़ना है, स्वयं एचटीएमएल टैग पढ़ चुके हैं, कहें तो मैं एक आध फाइल बना दूंगा, एक आध वीडियो भी बना दूंगा, ओके। और अपलेट टैग यूज ही करते हैं, गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, ये आज अभी मैंने बताया आपके स्टूडेंट कि यूजर इंटरफेस में यानी कि टेस्ट बॉक्स में इनपुट को क्या करना, गेट करना, जो अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन करके आपको दिखाया टू नंबर का, ये गेटिंग इनपुट था, इनपुट करना और उसको रन करना, ये प्रोग्राम मैंने अभी आज जो बनाया ये टू नंबर का। आप इसको डायरेक्ट उस पर भी रन कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ भी, लेकिन उसके लिए वही आपकी परमिशन होनी चाहिए, देखते हैं यदि फाइल ऐड होगी तो आपकी रन हो जाएगी, नहीं तो ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए फाइल रन ऐड है, ये देखिए आप एचटीएमएल के साथ फाइल को अटैच करना, ये जो पॉइंट है ये यही है कि यहाँ पे ये एडिंग अपलेट टू एचटीएमएल फाइल, तो ये प्रोसेस आपको बताना है, एचटीएमएल फाइल, ये एचटीएमएल हमारी फाइल है और इसमें हमने अपलेट को ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे हमारे HTML में यदि प्लस करेंगे तो प्लस दिखाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, और ये HTML के अलाइनमेंट वगैरह है, डिस्प्ले क्रिएटेड बाय
ये जो भी मैंने लिखा है ये किसमें लिखा है, सिंगल पेज पे लिखा हुआ है, ये आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, एचटीएमएल पेज पे चेंजेस करेंगे। जैसे ये मेरा एचटीएमएल पेज है, अब मुझे जहाँ पे इसकी जरूरत होगी वो कोड मैं वहां लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जावा माई पास प्रोग्राम, इसके बाद भी यदि मैं कुछ यहाँ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। इसे हेडिंग में ही बना देता हूँ मैं एच वन जावा अपलेट कैलकुलेटर प्रोग्राम, ये मैंने लिख दिया जावा अपलेट कैलकुलेटर प्रोग्राम। अब यहाँ पे एच वन को मैंने बंद किया। आपने HTML तो पढ़ा है स्टूडेंट, HTML के कोई भी टैग आप यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट और भी जो भी टैग होते हैं, लिस्ट के रूप में भी बनाना। और इसको देखिए सेव किया मैंने, अब यहाँ गया मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जो वहाँ चेंज किया यहाँ आ गया जावा अपलेट कैलकुलेटर प्रोग्राम, ये देखिए यहाँ लिख गया। कलर चेंज करेंगे आप HTML फाइल में, अभी मैंने रेड कलर रखा है, देखिए मैंने सीधे बॉडी कलर लगाया है। आप फॉन्ट वगैरह भी HTML टैग का यूज करके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ बॉडी टैग हमने दिया होगा, ये देखिए रेड दिया है। आप हेक्साडेसिमल का यूज करके वो कोड भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज कर दिया, पिंक कलर हो गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए, हम सिलेबस की बात करें तो मेरा एक ही पॉइंट बचा है, पासिंग पैरामीटर टू अपलेट। तो इसको मैं कल स्टूडेंट पढ़ा दूंगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको सिलेबस से जो भी प्रोग्राम दिए गए उनकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा चलाएं। और इसके बाद भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आगे और बढ़ना चाहते हैं, तो एक दो डेमो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा और जे अपलेट पे दे दूंगा कि आप प्रोजेक्ट भी आगे आपको बनाना है तो जावा में बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आगे मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना भी जावा में सिखाऊंगा। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, जावा में काम करना चाहते हैं तो आप करिएगा, प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप आगे करिएगा, उसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा। और आप GUI प्रोजेक्ट जावा में बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जिसका ये HTML के साथ भी कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।